रहे हैं। एक आपको न्यूज़ देनी है कि इस ट्रक के साथ, अभी हमारा लास्ट ट्रक है, इस ट्रक के साथ क्या, इस कंपनी के साथ ये मेरा लास्ट वाला व्लॉग है। सत श्री अकाल जी सारे, मेरा नाम विपिन कटारिया और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रैकिंग व्लॉग में। अभी हमने यहाँ पर ट्रक अपना हुक कर लिया है और लास्ट दो दिन है और इसी ट्रक के साथ। इस ट्रक को अभी हमने किंग फ्रेड में पार्क कर देना है। अभी हम ब्रैम्पटन में, यहाँ से 1800 किलोमीटर है हमारा यार्ड, तो दो दिन लग जाएंगे। आज चलाएँगे ट्रक थोड़ा सा और थोड़ा सा कल को चलाएँगे और परसों को ये वाला ट्रक पार्क कर देंगे और फिर हमारा काम डन हो जाएगा इस ट्रक के साथ। और सबसे पहले मैं अपना ट्रक हुक कर लूँ और लाइनें वगैरह चेक कर लूँ और इंस्पेक्शन वगैरह कर लूँ इस ट्रेलर की। मिलता हूँ आपको बाद में, रोड पे जाके बात करते हैं। मौसम देखो यार, पूरी गर्मी है आज और कोई भी बादल नहीं है ऊपर। अरे सूरज भैया बस करो यार, जो मर्जी हो जाए। वीकेंड आज सैटरडे आज, देख लो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। आज दूसरी साइड वाले भाई आ रहे हैं, उधर भी बहुत ट्रैफिक है और इस साइड पर भी बहुत ट्रैफिक है। मुझे ऑलरेडी 5-7 मिनट हो चुके हैं ट्रैफिक में और मेरे हिसाब से 4 मिनट का और ट्रैफिक है इस रोड के ऊपर, आगे जाके ठीक हो जाएगा। बाकी यार ना मैं इस सारे रोड को ना मिस बहुत करूँगा, मतलब इस वाले रोड को नहीं, जो आगे का रास्ता है यहाँ से ओशवा के बाद का रास्ता है। ये वाला रास्ता मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि कनाडा में जब भी हम ड्राइव करते हैं तो आपको पता है 13 घंटे की ड्राइव आती है और जो भी ट्रक स्टॉप होते हैं पार्किंग बहुत आसानी से मिल जाती है और टाइम आउट आता जाता है, 8 घंटे की स्लीप है, मतलब बहुत ही आसान ड्राइविंग लगती है इस रोड के ऊपर। अब जो भी नई ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे ये वाला रास्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा। टोरंटो से कुछ ना कुछ यहाँ पर जा तो हम मिड वेस्ट में चलेंगे या हम ईस्ट में चलेंगे, तो USA में चलेंगे बेसिकली। ये वाला रोड अभी हमारा मिस हो जाएगा, शायद हो सकता है इस रोड वाला काम मिल जाए, अभी हम काम ढूंढ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा किंग फ्रेट को। ओ ये कहाँ से आ रहा है बीच में, इसको गार्बेज कर देते हैं। ये वाले ट्रक को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, ब्लू कलर वाला, क्योंकि आपने भी मोस्टली मेरे ब्लॉग्स में या मतलब आपने मेरी रील्स में इसी ट्रक से भरी हुई हैं और जितना मेरा इंस्टाग्राम गेन हुआ है ना सारा इसी ट्रक की वजह से हुआ है। आपको भी अभी ब्लू ब्लू ट्रक नहीं दिखेगा। एक तो इसकी पहचान बहुत ही आसानी से हो जाती थी, जो और ट्रक होते हैं जैसे कोई वाइट वाले ट्रक आते हैं उसका बिल्कुल नज़दीक आकर पता लगता है कि ये वाला ट्रक यार इस कंपनी का है। इस ब्लू वाले ट्रक का दूर से पता चल जाता है कि ये किंग वाला ट्रक का है। 401 के ऊपर हमेशा ही कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, जो आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रहे हैं ना ये कंस्ट्रक्शन की वजह से है। जो जो जहाँ जहाँ पर ऑरेंज लाइन होती है इसका मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, जब वाइट लाइंस आ जाएंगी उसका मतलब है कि रोड ठीक है। उधर भी चल रही है, उधर भी ऑरेंज लाइन ही है। ये देखो थोड़ी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थी और आगे ठीक हो गई और लाइनें भी सीधी हो गई, ये थोड़ी सी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी थी। अभी हम भाई हम मॉरिसबर्ग वाले ऑन रूट के ऊपर और यहाँ से मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर की ड्राइव होगी हमारी मॉन्ट्रियल की, 300 भी नहीं होगी, 300 से भी कम होगी। तो मैंने सोचा कि यार कॉफ़ी ले लेते हैं और पता नहीं फिर इस रूट के ऊपर आएंगे या मतलब हम जाएंगे दूसरे रूट के ऊपर USA को। और इसके अंदर है CIBC का बैंक, मतलब ATM होता है अंदर, बैंक नहीं होती, बर्गर किंग और टिम हॉर्टन्स। अभी ट्रक आ रहे हैं धीरे धीरे, एक और आ गया। जैसा कि आपने देखा होगा कि सारा ऑन रूट खाली है मेरे हिसाब से, दो या तीन ट्रक थे पहले
पर अभी ट्रक आने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, वैसे वैसे ट्रकों की पार्किंग स्टार्ट होती है। अभी दोपहर का टाइम था इसलिए कुछ ही ट्रक है यहाँ पर। भाई तो चला गया, मेरे हिसाब से वो कॉफ़ी लेने के लिए रुका था। पर काफ़ी ट्रक शाम को आने स्टार्ट हो जाते हैं, पर अभी आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे होने के कारण यहाँ पर ऐसा ही काम रहता है। और इसीलिए मुझे ये पसंद है कनाडा का रूट, मैं तो देख नहीं रहा, और इसीलिए मुझे ये कनाडा का रूट पसंद है क्योंकि यहाँ पर पार्किंग जब चाहूँ मिल जाती है। और वहाँ से मर्जिंग एरिया है हाईवे के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था ड्रोन शॉट में, मैंने बहुत इन्जॉय किया। होप आपने भी किया होगा। अगर ड्रोन शॉट अच्छा लगा है तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि शायद हो सकता है ये लास्ट ड्रोन शॉट हो हमारा किंग भाई के साथ। या भाई वैसे चलो ट्रक तो चेंज होते रहते हैं, पहले 613 नंबर था, अभी 627 है, पर ये मेरा लोगो था, मेरा यूट्यूब का लोगो था। मैंने व्लॉगिंग किंग के स्टार्ट ही, मैंने व्लॉगिंग किंग फ्रेट के साथ ही स्टार्ट की थी, जब मैंने किंग्स फ्रेट के साथ काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि उधर मैं अकेला होता था, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली। और इसी के साथ मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम तो वैसे बहुत पहले स्टार्ट किया था, पर रील्स मैंने इसकी ही डालनी शुरू की थी। मैंने चेक किया, मॉन्ट्रियल सिर्फ यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी के ऊपर है। मैं सोच रहा था कि यार 3 घंटे लग जाएंगे, एक्चुअल में 3 घंटे मेरे पास हैं ड्राइव के, और माइनस हो रहे हैं भाई। 3 घंटे कुछ मिनट थे, अभी 3 घंटे 3 मिनट ही रह गए, तो अभी चलते हैं जल्दी से। यहाँ पर 16 मिनट कैसे लग गए यार, पता ही नहीं चला। चलो ओके, सारा ट्रक खाली कर दिया, आज थोड़ा सा सामान है, सारा सामान मैंने अपने भाई को पकड़ा दिया, वो घर पे ले जाएगा। और बाद में क्योंकि उधर ही रहना है, तो मेरे पास अकेला खाने पीने का और 1-2 बैग ही है। जिन भाइयों को नहीं पता कि ये किंग फ्रेट के साथ है, ये लास्ट ट्रिप क्यों है और किधर जा रहा है भाई, तो मैं आपको बताता हूँ भाई कि किंग फ्रेट नोवा स्कोशिया की कंपनी है। तो मैं ब्रैम्पटन में रहना चाहता था, अभी मैं हो चुका हूँ PR, तो मैं ब्रैम्पटन में जा सकता हूँ। वैसे मैं नोवा स्कोशिया की कंपनी के साथ काम करता था पहले, काफ़ी टाइम काम किया PR के बाद भी, अभी मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ काम किया, तो बढ़िया रहा, जो भी रहा एक्सपीरियंस बढ़िया था इनके साथ। पर मैं ब्रैम्पटन में रहना चाहता था अपनी फैमिली के साथ, तो अभी मैं ब्रैम्पटन जा रहा हूँ और मेरे कुछ प्लान भी हैं ब्रैम्पटन में, तो इसलिए मैं ब्रैम्पटन में मूव हो रहा हूँ अभी। तो इसलिए मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको PR नहीं ना मिलती, आप प्रोविंस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका जो काम होता है वो प्रोविंस की वजह से चल रहा होता है। अगर आप ओंटारियो में हो और ओंटारियो की PNP लगाई है आपने, आप अल्बर्टा में नहीं जा सकते, आप मतलब घूमने के लिए जा सकते हो, रहने के लिए नहीं जा सकते। अगर रहने के लिए भी जा सकते हो, पर वो वाला जो काम चल रहा होता है ना, उसके आप पेरोल नहीं बंद कर सकते, उसमें काम नहीं बंद कर सकते। अगर आपने काम बंद किया तो काफ़ी प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप काम छोड़ भी सकते हो, पर काफ़ी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आप काम नहीं छोड़ सकते उस प्रोविंस से, तो इसलिए हमें वो वहाँ पर काम करना पड़ता है। एक कम ही हो ही जा रहे हैं हमारे, तो 3 घंटे की ड्राइव रहेगी, ऑलरेडी हमने 18 मिनट वेस्ट कर दिए, 18 मिनट लूज कर दिए, तो अभी हम चलते हैं बैक टू रोड। भाई बंद, सो इन्होंने ना बीच में से रास्ता निकाल दिया। आप लाइन देखो दूसरी तरफ, कितना ट्रैफिक है यार, दूर तक ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, वो दूर तक। मेरी भी बुक कंप्लीट हो चुकी थी, मैं सोच रहा था ना एक पंप के ऊपर निकाल रहा था, एक 185 वाला एग्जिट था ट्रक स्टॉप का, मैंने वहां पर अपनी स्लीप डाल ली थी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मुझे जाना था लेफ्ट, और जो इन्होंने रोड बंद किया हुआ था ना, वो लेफ्ट में ही बंद किया हुआ था, वो सारे ही रोड इन्होंने बंद किया होता, वो वाला एग्जिट से आगे हाईवे बंद था। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, इसी रोड के इसी लेफ्ट में पंप है तो लेफ्ट में चले जाते हैं, लेफ्ट वाला इन्होंने बंद ही किया हुआ था, राइट को रास्ता ओपन था। तो ये देखो यार, सारा हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, और किधर फंसा गया लोग तो रास्ते के ऊपर। तो अभी 10 किलोमीटर इसी रोड के ऊपर जाना है, 50 की स्पीड है यहाँ पर, आगे हो सकता है 60-70 की हो जाए। हाँ जी, तो पेट्रो पास के पंप के ऊपर आ चुके हैं, आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये हमारा ट्रक है ना पीछे, कोई भी ट्रक नहीं है पूरे पंप के ऊपर, अभी पंप बंद है ये वाला,
वैसे मैं इस पंप के ऊपर निकलता नहीं हूँ, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा टाइम खराब करने वाला पंप है, जो 5-7 मिनट बाहर आने के लिए लग जाते हैं, और बहुत ही सुनसान पंप है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, दिन में आते होंगे पर रात को पार्किंग वगैरह नहीं होती। तो ये पीछे अपार्टमेंट वगैरह है, और यहाँ पर हमने अपना ट्रक पार्क लगा दिया। और यहाँ पर मैंने 10 मिनट की पर्सनल कन्वेंस डाल के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, टाइम पूरा ख़त्म हो चुका था। और मैंने साथ में लिख दिया पर्सनल कन्वेंस के नीचे लिख दिया कि रोड क्लोज्ड ऑन माय पार्किंग प्लेस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, मैंने लिख दिया साथ में। और अगर कोई MTO देखेगा भी उसको पता चल जाएगा भी रोड क्लोज था, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे मेरा मन नहीं था यार इस पंप के ऊपर आने के लिए, पर फिर भी हम आ चुके हैं। और चलो ठीक है, रात ही गुजारनी है, यहाँ पर सो जाते हैं। और जो पेट्रो पास होता है ना, पेट्रो पास का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेट्रो पास के ऊपर अगर हम फ्यूलिंग भी नहीं करते, हमारे पास BVD का पंप है, इनका ना एक डोर होता है, इन लोकेशन को बोलते हैं कार्ड लॉक लोकेशंस। पेट्रो पास की दो तरह की लोकेशन होती है, एक तो होती है जो ओपन होती है 24 आवर, जो 24 आवर ओपन नहीं होती, सैटरडे संडे को बंद होती है और 5 बजे बंद हो जाती है, वो होती है कार्ड लॉक लोकेशन। कार्ड लॉक लोकेशन हमारे पास BVD का कार्ड होता है, चाहे आपने फ्यूलिंग की है चाहे नहीं की फ्यूलिंग, बट वो जो डोर होता है ना वो ओपन हो जाता है। ये नहीं मुझे पता कि सारी लोकेशन का हो जाता है या नहीं, बट जो लोकेशन को मैंने ओपन किया था विदाउट फ्यूलिंग वो ओपन हो गया था, और अंदर बैठने की सुविधाएँ होती हैं, जहाँ मान लो माइक्रोवेव होता है अगर आपको चाहिए, और शावर भी होते हैं। तो मेरा मन था शावर लेने के लिए, पर मैंने सामान सारे ही अपने बाइक को पकड़ा दिया, मेरे पास टावल नहीं है अभी। जो पीछे वाला पंप था 185 वाला, वहाँ पर शावर थे, तो मैंने वहाँ पर शावर लेना था अभी। तो अभी चलो कोई बात नहीं, अभी शावर के बिना ही सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टावल नहीं है। तो मैंने सोचा था कि यार पंप के ऊपर टावल मिल जाता है तो हमें नहीं चाहिए, तो आगे सुबह देखते हैं, सुबह आगे कोई पंप आएगा। वैसे हमने फीलिंग भी करनी है, चलो ठीक है भाई, फिर मिलता हूँ आपको सुबह, अभी के लिए गुड नाइट। और क्या बात है यार, अकेला ही हूँ यहाँ पर, ठीक है अपनी जगह पर, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पंप के ऊपर बहुत बंदे कम निकालते हैं। और अभी हम ट्रक के ऊपर, पर ट्रक लगा के हमें उधर से कार पे भी आना है। अगला व्लॉग भी ज़रूर देखना, मैं कार के ऊपर भी व्लॉग बनाऊँगा और उधर से कार पे वापस आएंगे, फिर देखेंगे कैसा माहौल बनता है। वैसे मैंने कार के ऊपर इतनी लंबी ड्राइव नहीं की, पहली बार करूँगा, थोड़ी बहुत की है इससे 1400-1500 किलोमीटर की है, पर इस बार होगी मेरे हिसाब से 1850-1850 किलोमीटर है, 19-20 घंटे लग जाएंगे, रुकते रुकते फ्यूलिंग भी करनी है। और एक हफ्ते पहले ही फ्यूल का प्राइस बहुत बढ़ चुका है भाई, यहाँ पर फ्यूल का प्राइस हो चुका है 190, हेलीफैक्स वाली साइड भी 191, ब्रैम्पटन वाली साइड पे भी, मॉन्ट्रियल में भी, न्यू ब्रंसविक में भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी बढ़ना था, क्योंकि पहले 178 और 180 में मिल जाता था, अभी 10 सेंट और बढ़ चुका है। तो देखेंगे कितना फ्यूल लगता है गाड़ी के ऊपर आने के लिए, 1800-1900 किलोमीटर आने के लिए, और मेरी क्राइसलर के ऊपर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई, दिन निकल चुका है अभी, यहाँ पर हमने 8 घंटे की स्लीप भी डाली है, और थोड़ी बहुत ठंड भी हो चुकी है। और अभी हम ट्राई करते हैं अंदर जाने के लिए, जो डोर है ना इस साइड है मेरे हिसाब से, इस साइड है, देखते हैं अंदर जाने के लिए कि ये ओपन होता भी है या नहीं। और इनकी मशीन, जो वो वाली मशीन होती है ना, उसमें कार्ड डालो। वैसे हमने फ्यूलिंग नहीं की, इससे ये भी चेक हो जाएगा कि ये वाला पंप विद फ्यूलिंग चलता है या विदाउट फ्यूलिंग भी चल जाता है, तो देखते हैं। और वो होता है पंप नंबर 8 डोर का होता है जो, तो देखते हैं इनका डोर कौन सा है, पहले ये चेक कर लें सामने। तो अंदर जाके हमें ब्रश वगैरह करना है, तो ये रही मशीन, करते हैं इसमें। इधर से तो हो गया पंप यू सिलेक्टेड है, तो अभी देखते हैं कि कौन सा डोर है। एक मिनट होता है हमारे पास यहाँ पे डोर खोलने के लिए, ये वाला डोर है मेरे हिसाब से, ये ओपन हो गया। अंदर एक लैंडलाइन मिलता है, और अंदर कैमरे कुमरे लगे हैं, यहाँ पर ये है ड्राइवर लाउंज बैठने के लिए, और माइक्रोवेव नहीं देखा यहाँ पर यार। चलो हमें जाना है वॉशरूम के लिए, तो मिलता हूँ आपको बाद में।
क्या चक्कर है, ये क्यों लॉक किया है इन्होंने? ये ओपन यहाँ पर करनी है हमें फ्यूलिंग, टैंक कर लेते हैं यहाँ से फुल यार। पंप नंबर कौन है भाई? दो वाला ना? हाँ दो नंबर पंप है, दो डन। और पंप चालू है और हीट चल रही है भाई यार, हीट बंद करनी पड़ेगी पहले। इसका पंगा क्या है? यार यहाँ पर पता नहीं क्लिप क्यों नहीं लगा के रखते यार, तो इसको ऐसे ही पकड़ के रुकना पड़ेगा। बंदा अपने शीशे वगैरह साफ कर लेता है इसमें। और ये वाला 305 नंबर वाला एग्जिट वाला पंप है क्यूबक सिटी में, इस साइड में डला भाई 271 लीटर, और दूसरी साइड भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा ना मैंने ट्रक आगे लगा दिया, ये वाली पाइप काफी मुश्किल से पहुंचेगी उधर, पहुंच ही नहीं रही। तो मेरे पास एक हल है, मेरे हिसाब से दूसरी वाली पाइप इस साइड क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये वाली पाइप काफी लंबी है। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं उधर पहुंचेगी, थोड़ा सा ट्रक ही बैक करना पड़ेगा भाई। के पास है ए ट्रेन, इसका बस एक बंडा हो जाता है, होती ये भी 53 फीट की है, पर इसमें कन्वर्टर डालना पड़ता है बीच में। तो यहाँ पर साइड पे ट्रक लगाया और साथ में जा रहा है हाईवे। पीछे ना मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था पहाड़ों का, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है और साथ में पानी है उधर, और इस साइड है सिटी, वो सामने देख रही है ना चर्च मेरे हिसाब से, और एक होटल है। इस सिटी में इस साइड के ऊपर मैंने पहली बार ट्रक लगाया है, मुझे पता नहीं था यार इस साइड पर इतना सुंदर व्यू है, तो मैंने सोचा कि यार रुक के तो जाना चाहिए। और मैंने भाई यहाँ पर ड्रोन भी उड़ाया, ड्रोन की बैटरी 24% थी, वो वहाँ पर गया, जो लाल वाली कोठी दिख रही है ना आपको, वहाँ पर जाके हार मान गया। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई न्यू ब्रांसविक में,
और मैं एक चीज नोट कर रहा था, जैसे गर्मी हो चुकी है ना, थोड़ा थोड़ा ना हरा हरा घास स्टार्ट हो चुका है ना, और पहाड़ काफी है। जैसे कि आपको पता है न्यू ब्रांसविक में अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, पर पहाड़ बहुत ज्यादा है। अगर ड्रोन उड़ाए यहाँ पर, वो पीछे उधर दिख रहे होंगे आपको, ये जो पहाड़ है ना, अभी तो इनका कलर ब्राउन सा है पर ये हरे हरे हो जाएंगे। हाँ जी भाई, तो अभी हम स्केल के ऊपर, ये फेडरिक्टन के मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर पीछे आती है ये स्केल, और बहुत ही खाली है, बहुत ही कम ओपन होती है, पर आज ये ओपन है। वैसे मैंने यहाँ पर लगाया था अपना ट्रक, क्योंकि मेरे भाई मिलने आ रहे थे, दो फ्रेंड थे यहाँ पर साथ में रहते हैं, तो वो मिलने आए थे, और अभी उसने स्केल भी ओपन कर ली। अंदर एमटीओ है और स्केल ओपन है, पर हमारे लिए नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ से पहले का हूँ। अगर बोला उसने, इशारा किया, तो मैं फिर स्केल के ऊपर से चला जाऊंगा, नहीं तो हमने यहाँ पर साइड पे ट्रक लगाया है जैसे आपने देखा, तो निकल जाएंगे। साथ में बिल्कुल हाईवे है, यहाँ से 4 घंटे की दूरी। मुझे सांस इसलिए चढ़ी है क्योंकि मैंने ना सामान था, उन्होंने कुछ मुझे सामान पहुँचाया जो ब्रैम्पटन जाना है। एक्चुअली वो कुछ सामान मेरे भाई का था और कुछ सामान किसी और का था, वो सारा मैंने बेड के ऊपर रखा है, तो इसलिए ऊपर रखने के कारण सांस चढ़ गई। सच में यार भाई, एक ना लगाव सा हो जाता है कंपनी के साथ, या मान लो एक ट्रक के साथ। अगर हम बात करें कि नए डिस्पैचर के साथ काम करना पड़ेगा, नए कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा, नया ट्रक होगा, पता नहीं कैसा ट्रक होगा, कि कौन सा मॉडल होगा ट्रक का, मैनुअल होगा या ऑटोमेटिक होगा, इस चीज़ का पता नहीं ना। तो अभी देखो, एक टेंशन सी बनी हुई है दिल में ना, एक बेचैनी सी है यार, काम मिले जो अगला तो थोड़ा सा संतुष्ट होगा मन की, अभी काम मिल गया और अभी ये वाला ट्रक हमने चलाना है। तो मंगलवार को उधर पहुंच जाएंगे, आज संडे है, तो कल को हमें ये ट्रक है जो ड्रॉप करना है किंग फ्रेड में ड्रॉप करके मंडे निकलेंगे, और ट्यूसडे को हम ब्रैम्पटन पहुंच जाएंगे और काम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। जी भाई, सो पीछे हमारे पेट्रो पास का ट्रक स्टॉप, और मैं अपनी कार के ऊपर आया था यहाँ पर, साथ में मेरा ट्रक लगा है, एक स्ट्रीट छोड़ के उधर हमारा यार्ड है, और साथ में पेट्रो पास का ट्रक स्टॉप है। हमने सुबह फ्यूलिंग की थी ना, वैसे फ्यूलिंग ना भी करते तो शावर खुल जाते हैं, और बाई कर रहे हैं पीछे फ्यूलिंग, तो मैंने सोचा कि यार शावर लेके आते हैं और फिर सोते हैं। और अभी मैंने सामान था जो भी ट्रक में, वो सारा कार में रख लिया है, और सुबह मुझे जाके ये वाला ट्रक यार्ड में ड्रॉप करना है। यार्ड जो हमारा किंग फ्रेड का यार्ड है ना, आपको बताया गया पहले भी, यहाँ से 170-180 किलोमीटर दूर है, वो मुझे सुबह ड्रॉप करना है उधर ट्रक, और वहाँ से मुझे कोई राइड देगा वापस मेरे कार तक, फिर मैं अपने कार में आके सीधा ब्रैम्पटन को निकल जाऊँगा। और आज के ब्लॉग को हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, और सुबह नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। जिन जिन भाइयों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो भाई नए हैं इस चैनल के ऊपर, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रब रखा।